जय हिंद साथियों, आप सभी को पीबीआर स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, हम लोगों ने पिछले क्लास में नाउन पढ़ रहा था और नाउन में हम लोगों ने प्रॉपर नाउन को खत्म कर लिया था। ठीक है, प्रॉपर नाउन को फैक्ट के बारे में जान लिया था, तमाम चीज जो प्रॉपर नाउन से रिलेटेड थे वो सारी चीजें हम लोगों ने जान लिया था। और हमने नाउन के बारे में बताया था, नाउन 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मैटेरियल एंड अबस्ट्रिक। तो प्रॉपर को खत्म करने से पहले हम लोग प्रॉपर के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आपकी वो रूल याद है या नहीं, कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम कॉमन पे आएंगे। ठीक है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है साथियों, देखना। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन डाल दिया आपके सामने, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन डाला आपका, यहाँ पे राम इज वाय। ठीक है, क्वेश्चन बताना है सही है कि गलत। ठीक है, 4 क्वेश्चन देंगे, उसके बाद फिर आपके कॉमन नाम पे होंगे, क्योंकि आपके बताना पड़ेगा, क्योंकि वो रूल आपको याद है या नहीं, और साथ में जब क्वेश्चन करोगे तो रूल आपको रिवीजन, यानी कि उस रूल को रिवीजन भी कर पाओगे, इसलिए क्वेश्चन को करना और कमेंट बॉक्स में सबको बताना, सबकी कमेंट में देख रहा हूँ। ठीक है, चलो फिर हमारा एक और क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, राम इज अ बॉय। ठीक है, बताना है क्वेश्चन सही है गलत है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, प्रॉपर नाउन से ही ले हम तो ले लेते हैं मैम, तो और चौथा नंबर हम जब क्वेश्चन ले लेंगे यहाँ पे, वो हो जाएगा वाम इज अ। अब मुझे फटाफट सबको कमेंट करके बता दो, मुझे साथियों कमेंट करके बताओ कौन सा इसमें सेंटेंस सही है। सब में थोड़ा थोड़ा कॉमन एरर है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, इनमें से बताओ कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है, फिर उसके बाद हम लोग कॉमन नाउन की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी बता दो साथियों, पहला सेंटेंस लिखा हुआ राम इज बॉय। ठीक है, आप जब स्पोकन में बोलोगे, स्पोकन के लिए सारे सही है, एक इसको छुड़ा करके। ठीक है, स्पोकन में यूज करेगा तो सारे सब सही है, लेकिन एक को छुड़ा करके। ठीक है, जो ये तीसरे नंबर क्वेश्चन है, लेकिन आपको इनमें बताओ सही कौन है, ग्रामर शिक्षण के तौर में हम जब जाएंगे इनमें सही कौन है, आप जल्दी से मुझे बता दो। अच्छा, जो हमने आपको रूल और जो आपको फैक्ट बताए थे उस पर हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। हम लोगों ने सीखा है कि प्रॉपर नाउन जो स्टार्टिंग होता है कैपिटल लेटर से होता है, तो हमको देखने में जो पहला छोड़ो, जब दूसरा मैंने सेंटेंस को देखा, इसका जो स्टार्टिंग था क्या था, स्मॉल लेटर्स यानी छोटे अक्षर से इसकी स्टार्टिंग है, इसलिए सेंटेंस देखने से ही गलत लग रही है। ठीक, जो आपको लगे पहले उसे करो, फिर आ जाओ। हमने समझाया था, आपको सिखाया था प्रॉपर नाउन के साथ 99% केस में, 99% केस में आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो आपका ये जो जहाँ पर 3rd नंबर भी क्वेश्चन देखें, आप आर्टिकल लगा हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस भी गलत होगा। अब बच गए ये और ये कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है सर, यहाँ पे बॉय है, यहाँ भी बॉय है, लेकिन समझना ये हमने बताया था, जब जहाँ नीड हो आर्टिकल के, जब नाउन होगा तो आर्टिकल होगा, यानी कि जब यहाँ पे कॉमन नाउन है हमारा, यहाँ पे आर्टिकल लगाना बहुत अनिवार्य है, या यहाँ पे आर्टिकल लगाना बहुत अनिवार्य है, तो यहाँ पे आर्टिकल लगना चाहिए था, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो 4th नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा, और ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सारे के सारे गलत होंगे। फटाफट आप लोग इसे कॉपी में नोट डाउन कर ले, फटाफट इसे कॉपी में सभी कोई नोट डाउन कर लो, इसको जल्दी जल्दी सबको नोट डाउन करो। मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी करो। मैं ऐसा करता हूँ, आप सब कर लिए होगे, सबका कमेंट दिख रहा है मुझे, सबका कमेंट यहाँ पे दिख रहा है, मैं सबकी कमेंट को देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये भूलना नहीं आपको, याद है। ठीक है, क्योंकि सारे ये कमेंट यहाँ पे चल रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन समझ गए ना, कि आर्टिकल नहीं लगेगा प्रॉपर नाउन के साथ, और क्या सीखे कि जब भी स्टार्टिंग करेंगे ताकि इसे कैपिटल लेटर से करेंगे। ठीक है, चलिए और कुछ इसके क्वेश्चन करवाता हूँ, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ उसके रूल पढ़ने से कुछ काम नहीं होने वाला, समझना, क्योंकि कॉमन नाउन पढ़ाऊंगा आज, टोटल नाउन को ही खत्म कर दूंगा। आप मुझे समय दो, लेकिन क्वेश्चन भी करो, क्योंकि क्वेश्चन करोगे ना साथियों, डेफिनेटली आपको मजा आएगा। ठीक है, समझना। जैसे मैं एक और क्वेश्चन ले लूँ आपके सामने, द इंडिया, द इंडिया इज बेस्ट, क्या लिखा मैंने, द इंडिया इज बेस्ट, क्या लिखा है मैंने साथियों, द इंडिया इज बेस्ट। ठीक है, अब इसी के साथ एक और लिख दिया मैंने,
इंडिया इज बेस्ट, ठीक है, इंडिया इज द बेस्ट भी लगा सकते हो यहाँ पर, चाहो तो आर्टिकल द भी लगा सकते हो, ठीक है। इंडिया इज द बेस्ट पहला सेंटेंस है तो द इंडिया इज बेस्ट, दूसरा सेंटेंस है इंडिया इज द बेस्ट, ठीक है। समझ रहे हो साथियों? एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड, कॉल आ रहे हैं सर की, ठीक है, कोई नहीं, तो कॉल आ रहे थे, नो इशू। देखो मैंने पहला सेंटेंस लिखा द इंडिया इज बेस्ट, दूसरा सेंटेंस लिखा इंडिया इज द बेस्ट, ठीक है। अब देखो तीसरा सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं हम लोग, किसके, तीसरा सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सेंटेंस आपका हो जाएगा इंडिया हैज ऑन द मैच, इंडिया हैज ऑन द मैच। अब इसके बाद एक और सेंटेंस में लिखने की प्रयास करूं, एक और सेंटेंस लिखने की प्रयास करूं, सबको बारीकी समझना, अब पूरे यहां से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं जैसे इसके बाद एक और सेंटेंस लिखने की कोशिश करूं, वो सेंटेंस लिख सकता हूं द इंडिया, द इंडिया हैव ऑन द मैच, ये मैच दिख रहा है ना, ठीक है। चलो इसी के साथ एक और सेंटेंस में लिखने के प्रयास करूं साथियों, तो क्या लिख सकता हूं द, चलो पांच ही चार ही सेंटेंस में आ जाओ, ये चार सेंटेंस में बताओ मुझे कौन सा गलत है, कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही है, मुझे फटाफट बताओ। चार सेंटेंस में सही कौन सा सेंटेंस है साथियों, चार जो सेंटेंस लिखा है इसमें सही कौन है मुझे जल्दी बताओ कमेंट करके। पहला लिखा मैं द इंडिया इज द बेस्ट, दूसरा सेंटेंस करे इंडिया इज द बेस्ट, और जो ये तीसरा सेंटेंस करे इंडिया हैज ऑन द मैच, और चौथा कह रहा है द इंडिया हैव ऑन द मैच। इस चारों में कौन सा सही सेंटेंस है मुझे कमेंट करके बता दो साथियों जल्दी, मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ यहाँ पे, जल्दी जल्दी बताओ साथियों, मैं सबकी कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है। चलो बताओ मुझे कौन सा सही हो जाएंगे, जल्दी जल्दी बता दो साथियों, जल्दी बताओ, मैं सबकी कमेंट देख रहा हूँ, इन चारों में से कौन से सही हो जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बच्चे जवाब दे रहे हैं, बहुत बच्चे कर रहे हैं कि सर एक नंबर सही है, बहुत बच्चे कर रहे हैं दो नंबर सही है, वाह तीन नंबर, वाह वाह क्या बात है, चार नंबर। चलो मैं आता हूँ यहाँ पे, देखो तो पहला जो सेंटेंस है द इंडिया, तो जो यहाँ पे द है ये यहाँ पे नहीं लगता, तो यहाँ पे द लगा है ना ये नहीं लगता, इसलिए ये सेंटेंस गलत था। दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि इंडिया इज द बेस्ट, यहाँ पे इंडिया कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, साथ ही साथ इसके साथ भारत जो यूज किए हैं वो सिंगुलर यूज किए हैं, क्या यूज किए हैं, भारत इसके साथ क्या है सिंगुलर फॉर्म में आए हैं, तो इसलिए सेंटेंस हमारा करेक्ट था। तीसरा नंबर कह रहा है कि इंडिया हैज ऑन द मैच, इंडिया हैज ऑन द मैच। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट मैंने पिछले बार नहीं बताया था, जब भी किसी कंट्री, इंडिया क्या आपका कंट्री है, जब भी किसी कंट्री के साथ गेम, बैटल, वार, ठीक है, कोई स्पोर्ट वाला गेम, ये सब जब जुड़ जाते हैं तो उसके साथ आर्टिकल द लगते हैं, क्या लगते हैं, आर्टिकल द का यूज किया जाता है, और वो क्या हो जाता है प्लूरल फॉर्म में हो जाता है, और आने वाला भाव भी क्या लेता है प्लूरल लेता है। तो देखो यहाँ पे आर्टिकल भी नहीं लगा था फर्स्ट बात, दूसरा बात यहाँ पे जो वर्ब था वो सिंगुलर था, इसलिए सेंटेंस क्या था गलत है। अब देखो द इंडिया हैव ऑन द मैच, अब देखो इंडिया के साथ क्या है मैच की यानी कि गेम की बातें जुड़ी हुई है, जब गेम की बातें हुई है तो ये क्या हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा, तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इसके साथ आर्टिकल का यूज करेंगे, आर्टिकल द लगेगा, द के अलावा कुछ और नहीं लगेगा, तो आर्टिकल यहाँ पे द लगाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा क्या होगा प्लूरल होगा, देन ये सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस भी क्या आपका, ये जो चार नंबर सेंटेंस है ये भी सही है, और दो नंबर सेंटेंस है ये भी सही है। तो आपने क्या सीखा, जब किसी कंट्री के साथ, जब किसी देश के साथ बैटल, गेम, स्पोर्ट, ये सब तमाम चीजें जुड़ जाए तो उसका साथ क्या लगाते हैं आर्टिकल द लगाते हैं, और आने वाला भाव क्या रहता है प्लूरल में होता है। ये बातें सब कोई समझ गए, समझ गए ना, ये बातें समझ गए तो अच्छी बात है। चलिए फटाफट इसे नोट डाउन करिए, तब तक मैं हट जाता हूँ। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा सभी को, नोट डाउन कर लिए, कहीं भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आपकी एक एक कंफ्यूजन हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपके डाउट्स नहीं रहने चाहिए, सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है साथियों, फटाफट नोट डाउन कर लो। चलो मैं आशा करता हूँ आप सब नोट डाउन कर लिए होंगे।
आ जाओ, अब हम लोग कॉमन नाउन की तरफ बढ़ेंगे और इसको समझने की प्रयास करेंगे, ठीक है साथियों। आ जाओ, जो हम लोग बात करेंगे सेकंड वाला उसका नाम है कॉमन नाउन, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर नाउन का क्लियर हो चुका है। आ जाइए सेकंड नंबर बात कर रहा हूँ मैं कॉमन नाउन की, दिख रही है ना, ठीक है साथियों। देखो कॉमन नाउन एक्चुअली में होता क्या है आपको समझना पड़ेगा। कॉमन नाउन कोई एक बड़ी सब्जेक्ट नहीं है, कोई बड़ी चीजें नहीं है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से इसके डिफिनेशन निकल जाता है साथियों, जब आप वर्ड कॉमन बोलते हो, कॉमन यानी कि कहीं भी कहते ना कॉमन बात है यार, हम लोग दोस्तों के साथ आप घूमते हो कहीं भी जाते हो, कहते कुछ क्या हुआ बताओ, नहीं यार कॉमन बात थी, कुछ ऐसी कुछ बातें नहीं थी। जब आप कॉमन को आप रिलेट करके देखो अपनी चीजें से दैनिक जीवन में, तो आप किसी से कभी झगड़ा कर लेते हो तो पूछते हैं ना क्या बात हुई थी बताओ मुझे, आप इनसे कहते हो कॉमन बात थी, कोई बड़ी बातें नहीं थी। कॉमन का मतलब साधारण, यानी कॉमन का मतलब साधारण चीज, यानी कि यहाँ भी करोगे रिलेट करने की कोशिश करोगे तो कॉमन नाउन की यानी कि कोई भी ऐसा चीज हो जिसे साधारण यानी कि जनरल फॉर्म में बोला जाता हो, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इट इज, इसका डिफिनेशन हम लोग लेने की कोशिश करें, इट इज सो द कास्ट एंड क्लास, ये क्या दर्शाता है, कास्ट और क्लास को दर्शाता है। जो ये कॉमन नाउन होता है ना कुछ नहीं होता है, इट इज द सो द कास्ट एंड क्लास, ठीक है। अब इसे और भी ब्रीफ करना चाहो और भी अच्छी तरीके से समझना चाहो तो बहुत आसान है समझना, ठीक है, फटाफट कमेंट करो कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं, सबको कमेंट करो फटाफट, मैं सबकी कमेंट देखना चाहता हूँ, ठीक है, फटाफट पहले कमेंट करो कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं जो बता रहा हूँ कॉमन का मतलब होता है साधारण, यानी कि जनरल फॉर्म, जो कुछ भी आप बोलते हो जनरल बात जनरल वे में, उसी को तो कॉमन नाउन कहते हैं साथियों, उसी को कहते हैं ना। सभी को कमेंट करो, मैं सबकी कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है, फटाफट करो 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 करो। चलो अभी नहीं समझ रहे हो तो आ जाओ यहाँ पे समझो, एक और डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ, आ जाओ, इट इज द नेम, ये से पक्का समझ जाओगे, इट इज द नेम ऑफ पर्सन थिंग, पर्सन थिंग एंड समथिंग समथिंग इन जनरल फॉर्म, इन जेनरल फॉर्म। देखो इट इज द नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का और कुछ भी चीज हो उसका जो जेनरल नेम होता है, यानी कि जो सामान्य नाम होता है जो दैनिक जीवन में यूज होता है, जेनरल फॉर्म, यानी कि जेनरल फॉर्म की जगह पे कर सकते हो जेनरल सेंस, क्या कर सकते हो जेनरल सेंस भी कर सकते हो, यानी कि वैसा चीज का नाम, जो पर्सन का नाम हो सकता है, किसी थिंग का हो सकता है, किसी समथिंग यानी कि किसी और भी चीज का नाम हो सकता है, जो कि जनरल फॉर्म में हो, जो कि क्या हो जनरल कैटेगरी में हो, यानी कि सामान्य हो सबके लिए, उसी को तो हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। अब इससे भी नहीं समझोगे तो एक मेरे पास धातु तरीका है, सुनो, जब आप कहीं जाते हो, जब आप कहीं जाते हो और किसी लड़का वहां पे कोई एक आदमी खड़ा है और उसके बारे में तुम नहीं जानते हो और उसकी एज 16 से लेकर मान लो 0 से लेकर 5 वर्ष के बीच में हो और उसके नाम तुम नहीं जानते हो, तो उस पोजीशन आप क्या बोलते हो, चाइल्ड। तो चाइल्ड क्या है, यानी कि उसके बारे में अननोन, उसके नामों से आप अनजान हो। तो जिस चीज के बारे में हमने बताया कि अनजान हो, कोई चीज के बारे में नहीं जान रहे हो, उसको नाम नहीं पता है, चलो इसको जो पार्टिकुलर नाम है जैसे मैंने देखा और इसका नाम जो ओरिजिनल इसका जो नाम है व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन, अब इसके नाम नहीं जानते हो तो इसे क्या बोलोगे, मार्कर ही तो बोलोगे ना जनरल फॉर्म में। अब जैसे ये मेरे पास मोबाइल है, अब इसके मेरे पास मोबाइल का मॉडल का नाम नहीं पता है तो मैं इसके जनरल फॉर्म में क्या बोलूंगा, मोबाइल ही बोलूंगा ना। अब जैसे मैं हूँ आपके गांव में आ जाऊंगा, जैसे मैं आपके गांव में आ गया और मेरा नाम नहीं पता हो आपको, क्या हो कि मेरा नाम पता नहीं हो आपको, तो आप उस सिचुएशन उस पोजिशन में मेरे को क्या बोलोगे, कहोगे कि दिस इज द मैन या बॉय, मैन बोल सकते हो, अगर ज्यादा मेरे जैसे मूछे ऊँचे देख लो ना मूछे बढ़ गए, ये मोछे ज्यादा बढ़ जाएंगे तो जवान युवा युवा बोलोगे, अगर छोटे एज को लगूंगा मतलब सेविंग में करा के जाऊंगा तो वो एक ही कैटेगरी में आ जाऊंगा, अगर वही मैं पीठ पे बस्ते लेकर के मैं ऐसे ऐसे जाऊंगा
और आप मेरा नाम नहीं जानते, उस सिचुएशन में हम स्टूडेंट बन जाएंगे। यानी कि वैसा नाम जो कास्ट को रिप्रेजेंट करे, क्लास को रिप्रेजेंट करे, और उसके बारे में हमको नाम पता नहीं हो, उस सेंस में वो जो नाउन होता है वो कॉमन नाउन होता है। अभी भी समझे कि नहीं समझे, फटाफट कमेंट करो साथियों, मैं सबकी कमेंट देखना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी कमेंट करो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, एक बच्चे ने कमेंट कर दिया, वाओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो। देखो साथियों, एक और तरीका मैं बताना चाहूँ, मैंने एक तरीके से बता दिया जिसके बारे में अनजान हो। अब देखो, कास्ट समझते हो ना, कास्ट जाति, जैसे हिंदू में मुस्लिम, वो सब बातें नहीं करूँगा, जाति समझना। हम लोगों की जाति क्या है, बॉय कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो गर्ल्स होती है फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो एक हमारी एज बढ़ जाती है, जैसे हम बुढ़े हो जाएंगे, कुछ समय आएगी तो हम कैसे हो जाएंगे, बुढ़े कैटेगरी में, ओल्ड वाले कैटेगरी में चले जाएंगे। तो जो कैटेगरी और कास्ट क्या होता है, वही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, क्लास उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक ही वर्ग का। तो वो भी समझ सकते हो, या तो जिसके बारे में नाम नहीं जानते हो, पहली बार उसे देखे हो और उसके नाम नहीं पता, तो जनरल में बॉय बोलते हो सबके लिए, बॉय सब जगह अप्लीकेबल होता है, यानी कि जनरल होता है सबके लिए। ऐसा नहीं कि तुम इंग्लैंड से आए हो, तुम्हारे लिए कुछ और बोलोगे, लड़कियों के लिए जनरल फॉर्म में बॉय ही बोलोगे जिसको नहीं जानते हो। तो ये बातें होती है कॉमन नाउन, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में बेहतर आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूँ, यहाँ पे कोशिश करूँ, पेन, जैसे मैंने एज यूज किया पेन, जैसे मैंने यूज किया डॉग, ठीक है। जैसे मैं यूज करूँगा डॉग के बाद काउ, जैसे मैंने यूज किया ऑक्स। अब देखो यहाँ से समझ में आएंगे आपको, जैसे मैंने बोला पेन, और इस पेन का कुछ खास नाम होगा, इस पेन का कुछ खास नाम होगा, तो ये प्रॉपर हो जाएगा। इसका खास नाम होगा अग्नि, लिंगलाइजर। जो बिहार के बच्चे होंगे लिंगलाइजर से बहुत पढ़ते होंगे, मैं भी बहुत पढ़ा हूँ लिंगलाइजर से। तो जो पेन है, जो पेन है, इसकी जब पूरी नाम, इसकी जानकारी, इसके बारे में डिटेल्स पता हो जाएगी, इस पेन के बारे में मुझे पूरा डिटेल्स पता हो जाएगी, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगी। और जब उस पेन के बारे में हमें डिटेल्स नहीं पता है, जनरल फॉर्म में जान रहे कहाँ ये पेन है, कैसा भी पेन हो, लाल कलर का हो, ब्लू कलर का हो, या कोई भी कंपनी का पेन हो, तो पेन ही बोलोगे ना, ऐसा थोड़ी है। अब मुझे बताना, मैं अगर सावला होता तो क्या मुझे, क्या तुम दूसरे कुछ बोलते, लड़का ही ना बोलते, मैं मुझे लड़का ही ना बोलते, मेरा हाथ कट जाता तो क्या दूसरा कुछ बोलते, नहीं मुझे लड़का ही बोलते। तो इस कहने का मतलब है कि जनरल है, सबके लिए अप्लीकेबल है, उसके कॉमन नाउन में रखते हैं। जैसे तुमने सुना था ऑक्स, कल मैंने बताया था हीरा मोती के बारे में, तो हीरा जो था वो क्या था, उसका इस जो ये वर्ड है ऑक्स, उसका नाम था, और इस ऑक्स के नाम के बारे में जानकारी नहीं है, देन ये क्या है, कॉमन नाउन है। जब इसके बारे में डिटेल हमें मालूम चल जाता है तो प्रॉपर हो जाता है, और जब हमें डिटेल पता नहीं होता है तो वो कॉमन होता है। किसी को आपत्ति है यहाँ तक, किसी को दिक्कत हो तो बताओ, इसे नोट डाउन कर लो साथियों, कंसेप्ट मेरे बातों को दो बार तीन बार सुनना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नोट डाउन कराने के लिए ऐसे बुक में बहुत सारे डिफिनेशन रखे हैं साथियों, डिफिनेशन से कुछ नहीं होने वाला है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिकॉज यू कंसेप्ट, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना साथियों, देन आप कहीं भी धुआं मचा सकते हो। कंसेप्ट पे फोकस करो, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है तो सारी चीज क्लियर है। आ जाओ, इसे नोट डाउन कर लो, मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है। और सभी कोई प्यारे प्यारे कमेंट करके इमोजी वाला कमेंट भेज दो, ताकि मुझे अच्छा लगे पढ़ा के। चलिए, सभी कोई नोट डाउन कर लियो, मैं मिटाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और सभी को मुझे बताना, और जो बिहार से होंगे, जो यूपी से होंगे, उनकी इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग इंग्लिश बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, क्लास ट्वेल्थ की, क्लास ट्वेल्थ यानी कि बारहवीं की स्टार्ट करेंगे। जो क्लास टेंथ के होंगे, जिनकी बोर्ड एग्जाम आने वाली है, पहले फोकस उन पर करेंगे, ठीक है। जिनकी बोर्ड एग्जाम आने वाली है क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ वालों की, तो उन लोगों की क्लास हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, ठीक है, जब आप लोग का अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा तो। चलिए आते हैं आगे, हम इसकी कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि बारे में ये क्या लेता है, इसकी फैक्ट जान लेंगे तो हमें इसकी सवाल बनाने में कोई दिक्कत या आपत्ति नहीं होगी। फैक्ट नंबर वन समझना, फैक्ट ये क्या कहलाता है, कहता है कि फैक्ट नंबर वन, ये जो कॉमन नाउन होता है, जो कॉमन नाउन होता है ना, ये ज़्यादातर तो सिंगुलर वर्ब लेता है, क्या लेता है, एक फैक्ट फर्स्ट लिखो यहाँ पे, एस नहीं, एफ फर्स्ट। अगर ये क्या हो, अगर ये क्या करता है, टेक सिंगुलर वर्ब, टेक सिंगुलर वर्ब, ये हमेशा तो सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं साथियों, कुछ ऐसे कंडीशन होता है जहाँ पे इसे प्लुरल वर्ब भी लेना पड़ता है। जब ये, जब कॉमन नाउन का जब प्लुरल बनाते हो, जैसे बॉय का बॉयज बनाते हो, गॉट का गॉट्स बनाते हो, काउ का काउज
पाउच बनाते हो, ऑक्स का ऑक्सन बनाते हो, मैन का मेन बनाते हो, देन इस कंडीशन में ये भाग जो लेगा प्लुरल लेगा, तो इसको भी समझना होगा, नहीं तो कन्फ्यूजन आपको बहुत सारे हो जाएंगे, समझने के प्रयास करना, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो नोट में, यहाँ पर नोट डाल के लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो साथियों, नोट डाल के लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, व्हेन इट इज, क्या लिखोगे, व्हेन इट इज यूज्ड एज सिंगुलर, व्हेन इट इज यूज्ड एज सिंगुलर, टेक सिंगुलर इट्स टेक इट्स टेक सिंगुलर वा। जब इसको हम लोग सिंगुलर की तरह यूज करते हैं तो इसके साथ वर्ब आने वाली क्या होगी, सिंगुलर होगी, लेकिन बट लिख के लिखना है व्हेन इट इज यूज्ड एज प्लूरल व्हेन इट टेक्स प्लूरल वा। समझना है, देखो बारीकी से समझना, मजा आ जाएंगे इसको चीज को पढ़ के, ठीक है। कह रहा है कि व्हेन इट इज यूज एज सिंगुलर, जब इसे हम लोग सिंगुलर की तरह यूज करते हैं, देन इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, तब ये सिंगुलर वर्ब लेता है। कह रहा है लेकिन बट व्हेन इट इज यूज्ड एज प्लूरल, देन प्लूरल वर्ब, तब ये क्या रहता है, प्लूरल वर्ब लेता है। यहाँ तो किसी को समझ में आया कि नहीं, यहाँ समझ में आया कि नहीं, ये पॉइंट किस किस को समझ में आ गया, चलो इसका कुछ हिडन एलिमेंट यहाँ पर डालो। अगर इसी का है, इसी का पार्ट का है, नोट वाला पार्ट का यहाँ पर लिखना, जब क्या हो, ये सिंगुलर होगा, जब सिंगुलर होगा इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, भी मतलब वर्ब, जो भी लिख रहे हैं तो इसका मतलब वर्ब होगा, तो वर्ब भी क्या लेगा साथियों, सिंगुलर ही लेगा। हैशटैग नंबर टू लिखना, जब ये क्या हो, प्लूरल हो, पी एल यू के मतलब प्लूरल, तब जो वर्ब भी आएगा वो भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा। इसमें किसी को आपत्ति हो तो मुझे बताओ फटाफट कमेंट करके। हमने बताया पहले क्या कि टेक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब लेगा, लेकिन उसके कुछ कंडीशन होते हैं, व्हेन इट इज यूज्ड एज सिंगुलर, इट टेक सिंगुलर वर्ब, जब इसका यूज हम लोग सिंगुलर की तरह करेंगे तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा सिंगुलर लगेगा, बट व्हेन इट इज यूज्ड एज प्लूरल देन इट टेक्स प्लूरल वर्ब, जब इसका हम यूज प्लूरल की तरह करेंगे इसके साथ जो आने वाला वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। यहाँ तो किसी को आपत्ति है, किसी को आपत्ति है तो मुझे बताओ, नहीं है तो फिर अच्छी बात है, हिंदी समझा दिया, हिंदी में लिखता नहीं साथी क्योंकि इंग्लिश के क्लास में आए हो, तो आप इंग्लिश में ज़्यादातर कोशिश करो, इंग्लिश में वो चीज़ों को लिखे समझे पढ़े। और यहाँ पर मैंने बताया कि जब वो सिंगुलर हो, कौन सा, कॉमन नाउन जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी मतलब वर्ब, तो वो भी क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा। अगर वर्ब, अगर कॉमन नाउन प्लूरल होगा, पी एल यू के मतलब होता है प्लूरल, तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। यहाँ तक किसी को आपत्ति नहीं है, समझ गए ना अच्छे तरीके से, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, जल्दी से ना कर लो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी कर लिए सभी को इमोजी दे दो भाई, एक लाल पीला वाला इमोजी भेज दो, जो वहाँ इमोजी का ऑप्शन देता है सभी को कर दो, यस सर आई नोटेड इट, मैंने इसे नोट कर लिया, फटाफट कमेंट कर दो साथियों, सर मज़ा आ जाता है सर, आपकी कमेंट हमें बहुत सारा एनर्जी देती है, एनर्जी प्रदान करती है आपकी कमेंट, जल्दी कर लो, ठीक है। चलो मैं आशा करता हूँ नोट डाउन कर लिए होंगे। आते हैं फैक्ट नंबर टू की तरफ, क्योंकि फैक्ट नंबर टू समझना बहुत जरूरी है और इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है साथियों। देखो जनरली देखा जाए क्लास ट्वेल्थ तक में ये सब नहीं पूछते हैं, क्लास ट्वेल्थ में ये सब नहीं पूछते, लेकिन आपके जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो चीज़ें तो सबको पढ़ाता है, लेकिन थोड़ा सा अपर लेवल में पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि जब आप कंपिटेटिव बोल रहा हूँ, जब आप बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये सब मिलेंगे, कहाँ पे वर्ब का यूज किया गया, कहाँ पे प्लूरल है, तब आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप पहले से ही जानते रहेंगे तब आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, तो इसलिए चीज़ें हम बता रहे हैं, ठीक है। बाय द वे ये जानना जरूरी है कि भाई कब सिंगुलर होगा, कब प्लूरल होगा, प्लूरल होगा तो वर्ब कैसे लेंगे, देन आप ट्रांसलेशन बनाओगे ना ट्रांसलेशन, तब आपकी ये सब की दिक्कतें नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा अच्छा बॉय का बॉयज हुआ है तो बॉयज हुआ है, तो इसका वर्ब प्लूरल लगाएंगे, क्योंकि अब प्लूरल हो गया तो इसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगाएंगे, तो ये सब चीज़ें आप सीख जाओगे तब तक। चलिए अब इसकी फैक्ट नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं, फैक्ट नंबर टू क्या बोलता है, ठीक है। फैक्ट
नंबर टू समझने पे आ जाओ, यहाँ कर लेते हैं फैक्ट नंबर टू, ठीक है, दिख रहा है ना सबको, आ जाओ देखो फैक्ट नंबर टू को समझने के प्रयास करना। कह रहा है कि आर्टिकल आर्टिकल ए एंड एंड द आर्टिकल ए एंड द इज यूज्ड, ठीक है, हम आर्टिकल ए एंड द का क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ करेंगे, अब मुझे आप कमेंट करके बताओगे। हम आर्टिकल के यूज तो करेंगे सर, ए एंड द के यूज करेंगे, बट कहाँ करेंगे मुझे ये जानना है आपसे। देखो कहाँ करेंगे, ए यूज्ड, यूज के बाद लिखना फिर यूज्ड बिफोर, बिफोर क्या लिखोगे, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि सिंगुलर होना चाहिए, बिफोर यहाँ पे होता बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कह रहा है कि आर्टिकल ए एंड द के यूज करेंगे, बट किसके पहले यूज करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर कहने का मतलब है कि देखो कॉमन नाउन कहीं तो गिन सकते हो ना। अब देखो यहाँ पे नाउन में इंग्लिश में और मैथ में समझना पड़ेगा, एक चीज मैं लॉजिक बता देता हूँ, बहुत सारी बुकों में थोड़ा बहुत एरर है, मैं नहीं कहूँगा बुक गलत है, बस उस हिसाब से सही थे पहले के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको समझना पड़ेगा प्रैक्टिकल। मैं किसी भी बुक को वो नहीं कर रहा हूँ, जस्टिफाई नहीं करूँगा कि बुक गलत है या कुछ भी हो, लेकिन प्रैक्टिकल सोच के देखना, आप तारा को गिन सकते हो कि नहीं, मेरे को गिन सकते हो कि नहीं, गिन सकते हो ना, लेकिन कभी मुझे गिनने की आपकी ज़रूरत पड़े, प्रॉपर नाम कभी गिनने की जरूरत पड़ा, क्या ताजमहल को आपको गिनने की जरूरत पड़ी, नहीं ना पड़ी। तो देखो इंग्लिश और मैथ में देर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मैथ एंड इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश में बहुत डिफरेंस है, आपको उस डिफरेंस को समझना पड़ेगा। तो देखो इंग्लिश में जो काउंटेबल होता है ना, वो काउंटेबल कहता क्या है, जब किसी नाउन को गिनने की जरूरत पड़े, उसे गिनने की जरूरत पड़े उसे काउंटेबल कैटेगरी में रखते हैं, और जिसे गिनने की जरूरत ना हो उसे अनकाउंटेबल में रखते हैं, इंग्लिश के सिद्धांत ही रहता है। लेकिन मैथ में थोड़ा अपोजिट है, मैथ ये बोलता है जिस चीज़ को हम लोग गिन सकते हैं, यानी कि डैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल, मैथ ये कहता है जिसे हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल कहेंगे, जिसे नहीं गिन सकते हैं उसे अनकाउंटेबल। लेकिन इंग्लिश अपोजिट है, इंग्लिश कहता है जिसे गिनने की जरूरत हो, हमारी नीड हो, तभी वो काउंटेबल है, और जब जरूरत ना हो तो अनकाउंटेबल है, समझ गए। तो प्रॉपर भी आपका अनकाउंटेबल मत है, ऐसा नहीं कि उसे गिन नहीं सकते, जरूरत नहीं पड़ती है। इंग्लिश और मैथ को डिफरेंस को समझना पड़ेगा आपको, तो वो थोड़ी सी हमें कन्फ्यूजन थी, लगा था मुझे बताने के लिए, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब हम बात किए सिंगुलर काउंटेबल नाउन की, तो मुझे वो लॉजिक आपको क्लियर करना चाहिए था, मैंने लॉजिक वो क्लियर कर दिया। आ जाओ फैक्ट नंबर टू समझ गए ना, फैक्ट नंबर थर्ड पे आ जाओ। फैक्ट नंबर थर्ड कहता है नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। पहली बात तो अनकाउंटेबल को तो हम लोग इसमें कुछ करेंगे नहीं, देखो जब इसको सिंगुलर से हम लोग प्लूरल में बनाते हैं, कह रहा है कि नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल को गिन सकते हैं लेकिन उसमें जरूरत नहीं होता आर्टिकल लगाने के लिए। ऐसा नहीं कि जब बॉयज करोगे तो दो ही प्लूरल के होंगे ना, मोर देन टू, जब मोर देन टू हो जाते हैं प्लूरल बोलते हैं, समझ लो ना, मोर देन टू प्लूरल हो जाएंगे, मोर देन वन भी बोलोगे तो प्लूरल हो जाएंगे। तो क्या लड़के को गिन नहीं सकते हैं, गिन सकते हैं, लेकिन सिद्धांत ये कहता है कि हम लोग उस कैटेगरी में जब वो प्लूरल हो जाए और उसे गिन भी सकें, तब वहाँ पर हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। सबकी कंसेप्ट क्लियर हो गई कॉमन नाउन वाली सबकी, अभी कोई बताओ कॉमन नाउन के जो यहाँ पे रूल थे, वो कॉमन नाउन के जो सिद्धांत थे, सबकी क्लियर हो गई कि नहीं, पहले सभी फटाफट बताओ, जल्दी बताओ मुझे साथियों। और थोड़ी यहीं पे क्लास को एंड करने पड़ेंगे क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू हो रहे हैं। तो साथियों थैंक यू, आपको अगले वीडियो में हम लोग कलेक्टिव मटेरियल और बेस्टिक तीनों एक ही वीडियो में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, लव यू ऑल।